सेक्टर आउटलुक 2024 की तरफ बढ़ते और अब बात करते हैं 2008 में शुरू हुई सुप्रिया लाइफ साइंसेस की। 2500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली सुप्रिया लाइफ साइंसेस APIs की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का काम करती है। अब इनके प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल है वो मलेरिया, हाइपरटेंशन, हिस्टामाइन, एलर्जीज, एस्थमा के इलाज में किया जाता है। सुप्रिया लाइफ 38 तरह के APIs बनाती हैं और तकरीबन 100 ऐसे देश हैं जहाँ पर इनका कारोबार फैला हुआ है। अब इस साल के लिए यानी कि साल 2024 में ग्रोथ को लेकर कंपनी का प्लान क्या है, सामने कैसे चैलेंजेस हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है, नए साल में इंडस्ट्री के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहने वाले हैं, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही ऑफकोर्स 2024 का ग्रोथ आउटलुक तो समझेंगे ही। ज़्यादा बातचीत के लिए चलिए हम बात करते हैं कंपनी के CMD सतीश वाघ साहब से। वाघ सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, 2023 अच्छा खासा रहा है, अब 2024 को लेके एक अगर आप ओवरव्यू हमारे दर्शकों को दे सके कि फार्मा एज अ होल सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है। मैं पहले आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इसके लिए बुलाया और माय बेस्ट विशेस इस साल के लिए आप सभी लोगों को और मेरे जो इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके कंपनियों पे। मैडम, 2024 और 2025 जो है ये सुप्रिया लाइफ साइंस के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। हमारे पास अभी जो भी एक्सपेंशन जो चल रही है, कई थेरापेटिक कैटेगरी में हम पहली बार आ रहे हैं, लेकिन वो CMO और CDMO प्रोजेक्ट्स में है। और कंपनी की ग्रोथ जो है वो इस साल भी कम से कम मिनिमम 25-30% होगी, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमने जो भी प्लान्स किए हैं वो प्लान्स हम इस साल जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें जो प्रोमिसेस दिए वो फुलफिल करेंगे। सर, ये बात तो सुप्रिया लाइफ साइंसेस की हो गई, लेकिन ओवरऑल सेक्टर पर भी सिंस आप काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री का, इस सेक्टर का हिस्सा है, ओवरऑल सेक्टर के लिए ये साल कैसा दिख रहा है आपको? मैडम, ओवरऑल ये साल बहुत प्रॉमिसिंग रहेगा, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन आई है वर्ल्ड में कि इंडिया ये एक बेस्ट फॉर APIs और इंटरमीडिएट्स के लिए जाना जाएगा, क्योंकि चाइना में जो अभी डाउनफॉल जो हो रहा है और कई लोगों ने देखा, कई कंट्रियों में जैसे यूरोप है, US है, ब्राजील, मेक्सिको, ये जो मेजर मार्केट्स है, यहाँ लोगों ने देखा है कि अब जो भी गुंजाइश कर सकते हैं वो इंडिया से ही होगी। और इंडिया में कैसे पहले से ही क्वालिटी कॉन्शियस है, इंडियंस काफी ड्रग मास्टर फाइल्स और काफी चीजें कर रहे हैं, एवरी कंपनी है वो आज एक्सपेंशन कर रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए ये साल बहुत ही प्रॉमिसिंग रहेगा और अच्छे रिजल्ट्स इस कंट्री से आ सकते हैं। चलिए अब इसको एक एक करके ब्रेक करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा यहां मौके नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो US और यूरोप यहाँ पर स्थिति कैसी लग रही है, प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्थिति में सुधार है, जरा बताइए। जैसे US और यूरोप में प्राइसिंग में पिछले साल थोड़ा एक नोटिस था कि प्राइसिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन इस साल ऐसे लगता है कि प्राइसेस के लिए अभी कोई भी प्राइस के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, बात जो होगी वो सप्लायर और कंटिन्यूस मटेरियल मिले इसी के ऊपर होगी और क्वालिटी के ऊपर होगी। और मुझे लगता है अच्छा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स PLI वगैरह जो आई है, इससे काफी लोगों को इससे फायदा भी जरूर होने वाला है, और जो भी उनकी कॉस्ट है वो थोड़ी बहुत उस PLI और इंटरेस्ट सब्सिडी से कम जो होगी वो 100% वो पास ऑन की जाएगी US और यूरोप के लिए, और इंडिया के लिए ये मार्केट इस साल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एटलीस्ट फॉरेन लैंड्स में देखा जाए तो इंडिया के लिए प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं। अच्छा सर, हमने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी बात की थी और जब हमने मार्जिन के फ्रंट पर उनसे सवाल पूछे तो उनका मानना था कि फार्मा सेक्टर या तो इसे सस्टेन करेगा या फिर स्थिति कुछ और बेहतर हो सकती है। सर, मैं आपसे बतौर कंपनी जानना चाहूँगी, आपको कैसी स्थिति दिखाई दे रही है, अगर मार्जिन को लेकर चला जाए तो ये साल कैसा रहेगा? मैडम, मार्जिन मेरे हिसाब से इस साल बहुत ही अच्छी रहनी चाहिए। okay. जो कई सालों से और कई डिकेड से इस बिजनेस में है वो समझ पा रहे हैं कि अभी मार्जिन उनकी सुधर जाएगी, क्योंकि अब ये बिजनेस टोटली रेगुलेटरी हो चुका है और जहां रेगुलेटरी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वहां इसका जरूर फायदा उनको होने वाला है। और मेरे हिसाब से 2024 ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ईयर इस सेक्टर के लिए, फार्मा के लिए रहेगा।
सर, सुप्रिया लाइफ साइंसेस के लिए आप क्या कैसे मार्जिन आप सस्टेन करने की सोच रहे हैं, या यहाँ पर कुछ और इम्प्रूवमेंट दिखेगा अगर अब नए साल की बात करें तो? मैडम, इसके ऊपर मेरे ऑलरेडी मेरी जो बेटी जो है उसने एक इकोनॉमिक टाइम्स पर आर्टिकल दिया था, उसने कहा था कि वी विल डेफिनेटली मेंटेन कम से कम 30 से 34% तक। और हमारे लिए कैसा है कि सुप्रिया लाइफ साइंस का जो स्ट्रक्चर है 100 में से 84% एक्सपोर्ट्स इन 128 कंट्रीज, तो हमें पक्का मालूम है कि हमारी जो भी मार्जिन है वो हम मेंटेन कर पाएंगे और अच्छी तरह से उसको डिलीवर करेंगे। ये जो है वो मैंने कम से कम बताया, मैक्सिमम क्या होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, ईयर के एंड में सभी लोगों को मालूम पड़ेगा। ओके, चलिए, तो 30-35% के आसपास एटलीस्ट वो मेंटेन होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी बात से, आपके कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि यहाँ पर हम कुछ और वृद्धि देख सकते हैं। अच्छा सर, आपने अपनी कमेंट्री की शुरुआत में इस बात की चर्चा भी की थी और मेरी सहयोगी ने भी बताया था कि कुछ नए लॉन्चेस हैं पाइपलाइन में, तो मैं सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहूँगी सर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑन स्ट्रीम, क्या क्या देखने को इस बार मिल सकता है? बहुत सारा चीज मिलेगा, कई लोगों ने कई एक्सपेंशंस किए हैं, कई थेरापेटिक कैटेगरी में लोगों ने अपनी कैपेसिटीज बढ़ाई है, गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम दी है उसका फायदा भी इस इंडस्ट्री को होगा। और अभी चाइना के बाद जो भी अपॉर्चुनिटी है अगले 5 साल वो इंडिया के पास रहेगी और इंडिया अच्छी तरह से इसको डिलीवर कर पाए। और सुप्रिया लाइफ साइंसेस सर, आपकी प्रोडक्ट पाइपलाइन में क्या क्या है, कौन कौन से लॉन्चेस हैं या कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो इस बार दर्शकों को देखने को मिल सकती हैं? मैडम, हम कई थेरेप्यूटिक कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे कि हम एनेस्थेटिक में हमारा बास्केट बढ़ा रहे हैं, फिर हम कई प्रोडक्ट्स जैसे पेन किलर्स वगैरह है उसमें आ रहे हैं। अभी सब चीजें मैं बता नहीं सकता हूँ इस फोरम पे, बट पक्का खातिर रखिए कि सुप्रिया लाइफ साइंस के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ये 21 साल का नहीं देख रहे, हम 5 साल का प्लानिंग करके चल रहे हैं और 5 साल में हम हमारी अच्छी तरह से ग्रोथ जरूर करेंगे, लेकिन ग्रोथ में EBITDA ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे कंपनी के लिए रहेगा, क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि बैलेंस शीट जो बनती है ना, तो EBITDA इज द क्रच ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस, तो इसलिए सुप्रिया लाइफ साइंस का जो बिजनेस है वो EBITDA के ऊपर चलेगा और अच्छे अच्छे नई जो थेरेपेटिक कैटेगरीज जो हम आज वो हम अनाउंस करते जाएंगे, बट हम 3-4-5 थेरेपेटिक कैटेगरी में जो काम कर रहे हैं उसमें हम आएंगे। हमने 2 पेटेंटेड प्रोडक्ट भी जो लिए उसका कमर्शियलाइजेशन भी इसी 2 साल में होगा और उस प्रोडक्ट का वर्ल्ड मार्केट जो है वो $47 बिलियन का है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं 10-12% शेयर इसका लूँ, तो समझ लीजिए कि वो शेयर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा और मैं जरूर हासिल करूंगा। ओके, सो मेरा वादा मेरे इन्वेस्टर्स को और मेरे साथ जो भी जुड़े हैं उनको है। सर, आप ये जिस शेयर की बात कर रहे हैं और आपने जितने बड़े मार्केट का जिक्र किया, ये क्या इसी साल के लिए आप एम कर रहे हैं या ये आने वाले सालों के लिए? नहीं, ये मैडम ऐसा है कि ये इस साल के लिए नहीं है, इस साल हमें बहुत उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो काम जो कर रहे हैं वो 2025-26 में आएगा। अच्छा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, रेगुलेटरी में जब कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसमें काफी रेगुलेटरी चीज रहती है, वो ऐसे नहीं कि आज बना कल बेचा, उसमें कम से कम 1 साल तो स्टेबिलिटी स्टडीज में वगैरह चला जाता है, उसके बाद में उसकी फाइलिंग होती है, लेकिन हमारी फाइलिंग आपको मालूम है हम US में और यूरोप में ही करते हैं जहाँ हम ऑलरेडी कम से कम 35 साल से है और हमारा नेटवर्क इस कंट्री में बड़ा अच्छा है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि अब ये जो नया वित्त वर्ष है उसके लिए आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं और किस तरह का कैपेक्स आप प्लान कर रहे हैं फॉर FY25? काफी सारा कैपेक्स भी हमने इस साल प्लान किया है ऑलरेडी, वो प्लानिंग में और वो शुरू है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कई नए थेरेप्यूटिक कैटेगरीज में हम आ रहे हैं और जिसमें है उसके बास्केट साइज हम बढ़ा रहे, तो हमें काफी सारी चीजें कैपेक्स में कर रही है, रफली बिटवीन 60-70 करोड़ रुपीज हम कैपेक्स प्लान किया है और ऑलरेडी 75% हम कर चुके हैं। जैसे लोगों को API लगती है उसके साथ में एनवायरमेंट की भी काफी चीजें आपको करनी पड़ती है, तो एनवायरमेंट में हमने जो हमारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है
उसमें हम 12 से 14 करोड़ रुपया खर्चा गया, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 175 ऑडिट होती है, उसमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही ज्यादा रहते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर अस। तो हमने कैपेक्स जो प्लान किया उसमें 14 करोड़ रुपया हमने ऑलरेडी एफ्रूवल्स के ऊपर खर्चा किया है, और काफी कैपेक्स इस साल भी रहेगा, क्योंकि कैपेक्स ये कंटिन्यूस प्रोसेस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, कि जो अगर आप करें तो ही आपकी गाड़ी आगे चलती है। ड्रग मास्टर फाइल, COCP, ये फाइल करनी पड़ती है, इसके लिए काफी एक्सपेंशन काफी एक्सपेंसेस होता है, और हम करेंगे और करते रहेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, उसमें और थोड़ा चीज डालना चाहता हूँ, हमने DSM स्विट्जरलैंड के साथ अभी कोलैबोरेट किया है एक प्रोडक्ट के लिए, विटामिन में। वो पूरा प्रोडक्ट DSM सुप्रिया लाइफ साइंस से उठाएगी, और उनका जो प्लांट जो स्विट्जरलैंड में है, जो जर्मन बॉर्डर के ऊपर, वो बंद हो जाए, तो वी एक्सपेक्ट बेटर इबिटा, बेटर क्वांटिटीज फ्रॉम देम। अभी हमने प्रोटीन में भी ना, आयो प्रोटीन, वे प्रोटीन इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया जाएगा, जो टेक्नोलॉजी हमने यूएसए लाई है। एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें वॉल्यूम और मार्जिन्स ये काफी रहेगी। हमारा इस मार्च में ही कई टन मटेरियल यहाँ से शिप हो जाएगा, और उसके लिए इबिटा और मार्जिन्स ये बहुत अच्छे रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत विस्तार से बताया कि कंपनी की और पूरे सेक्टर को लेकर किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है साल 2024 में। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी बिजनेस को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।